हेलो गाइस, राम 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 राम। आज का व्लॉग हम सुबह के कितने बजे 8:30 बजे से शुरू कर रहे हैं और ब्रेकफास्ट वगैरह हमने कर लिया है, नहा भी लिए, कपड़े बस भिगो कर रख दिए धोने और कपड़े ना आज नहीं है हमारे धोने के लिए, पापा के हैं। पापा के कपड़े थे वो धो लेते हैं हमने सोचा। बस और अभी हम ब्रेकफास्ट करके फ्री हुए और बिग बॉस नहीं भाभी जी घर पर है देख रहे हैं और 9 बजे बिग बॉस लगेगा, फिर बिग बॉस देखेंगे। और गाइस ये तो नहीं बोलेंगे कि कितने दिनों बाद ब्लॉग बनाया आपने। हाँ वो तो बोलेंगे कि डेली रूटीन कितने दिनों बाद दिखा रहे हो आप। हाँ आप भूल भी गई शायद हम ब्लॉग बनाना भूल गए आप। नहीं मैं नहीं भूली, मैं भी नहीं भूली। तो आप ही तो बोल रहे थे कि मैं ब्लॉग बनाना भूल गई हूँ, अब कैसे ब्लॉग बनाना। नहीं भूली नहीं हूँ, पर थोड़ा अजीब सा लग रहा है आज इतने दिनों बाद, एक हफ्ते के बाद ही बना रहे हैं शायद हम तो। हाँ चलो भाई सब, अब बस मैंने कपड़े धोने और व्यंजन बैठ जाना क्योंकि इनका सारा काम हो गया, मेरा रह गया कपड़े धोने का भी। तो फिर मिलते हैं आपको आपसे उसके बाद। छत पर तो हम पहुंच गए लेकिन बहुत सारी पौड़ियाँ हैं यहाँ पर, तो थक जाते हैं ऊपर आते आते, बाल्टी वाली की तो हालत ख़राब हो गई। और चलो डालो सूखने कपड़े और हम नेल कटर भी लेकर आ गए ऊपर, हमने सोचा ऊपर छत पर बैठकर नाखून काट लेंगे, लेकिन यहाँ तो ठंडी बहुत है। अभी थोड़ी थोड़ी धूप निकली उस साइड निकली, अभी धूप यहाँ पर नहीं निकली। डालो फिर आ जाओ, आप काटो मेरे नाखून पैर के और फिर मैं आपके काट दूँगी। बोलो भी नहीं जा रहे और ठंड के मारे तो बैठ जाती हूँ तब तक। और गाइस वैसे एक नहीं आना था छत पर कपड़े डालने, लेकिन बहन जी ने बोला कि लास्ट बार दोनों जाते हैं छत पर, फिर हमने चले भी जाना ना घर, कल चले भी जाना हमने घर ना, इसलिए हमने सोचा छत लास्ट बार छत पर आ जाते हैं। मैंने सोचा, हाँ बहन जी ने सोचा कि लास्ट बार छत पर जाते हैं इसलिए आ गए। और यहाँ पर बहुत ठंड लग रही है, चलो बैक कैमरे से मैं आपको अपनी छत दिखाती हूँ, वैसे दिखा दिए फिर भी दिखा देती हूँ एक बार फिर से। गाइस तो ये है हमारी छत, इस साइड भी दीवार है इस साइड भी, इसलिए यहाँ पर धूप नहीं आती। पहले नहीं होती थी यहाँ पर बिल्डिंग है ना साइड साइड में इतनी ऊंची ऊंची, तो धूप आ जाती थी लेकिन अब नहीं आती है। यहाँ तुलसी भी लगाई हुई, चलो आओ डाल दिए सूखने, तो चलो तो डाल दिए गाइस सूखने कपड़े और बहन जी लग पड़े नाखून काटने। और यहाँ पर ठंड बहुत है, मैं बोल रही हूँ कि जल्दी करो नीचे चलते हैं, अकड़ जाना हमने ठंड से यहीं पर ही, चलो जल्दी करो। तो कटोई ना फिर जल्दी जल्दी नहीं कर, देख कट दी मेरे पैर, गाइस काट लेते हैं नाखून फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी टाइम हो रहा है 11:30 और बिग बॉस 11 बजे ख़त्म हो गया था, उसके बाद हम सामान की पैकिंग कर लग पड़े थे करने। पापा ने बोला था कि थोड़ा बहुत सामान आप पैक कर लेना, उसके बाद जब मैं आऊँगा तो जो सामान बच जाएगा उसको उसकी पैकिंग मैं कर दूँगा। तो अभी मैं और बहन जी की सामान की पैकिंग कर रहे हैं और 11:30 हो चुके हैं, हो नहीं गया सामान पैक। ये सूट बचा इसको डाल दो, ये सामान दूजे बैग में पाना, क्या पाना पापा ये वाला सामान है, ये पापा डाल देंगे बैग में। गाइस को तो हमने दिखाया नहीं ये सामान, दिखाना देख लो। पापा कल टूर के लिए ये थी या कवरेज थी पापा की, हाँ पापा की कवरेज थी, तो वहाँ पर गिफ्ट मिला पापा को और कुछ सामान है जो हमने खरीदा है। तो YouTube फैमिली इस बैग में तो हमने सामान डाल दिया, ये बैग तो हमारा पैक हो गया। अब ये क्या देख रहे हो आप, जो पापा को मिला था सामान कवरेज थी कल पापा की, तो था। हाँ तो दिखाओ डब्बा कहाँ से दिखाना, ये दिखाया आपने, मैंने दिखाया एक डब्बा, इसमें क्या है और इसमें कुछ नहीं कपड़ा है, मतलब डायरी है, ये पर्स भी इसमें, ये पता नहीं दिखाया बैठे ने कि नहीं दिखाया, और ये आम की चटनी, हाँ और इसमें आम की चटनी, और ये अपने सारे खा दिए, और इसमें तुलसी तुलसी है नहीं इसमें, और केसर केसर है, और गाइस ये कुछ सामान है जो घर ले जाने के लिए है, हाँ
जब पापा टूर के लिए गए थे ना 3-4 दिन पहले, तो वहाँ से लाए थे। और ये अचार ये दिखा दिया। ये तो पापा ही पैक करेंगे सामान, है ना? वो सामान नहीं दिखाना, वो बेड में वो नहीं। जब गाइस हम जब पापा पैकिंग करने लगेंगे तब दिखाएंगे हम। या घर जाकर हम अलग से व्लॉग बनाएंगे कि हमने दिल्ली में क्या शॉपिंग की। वैसे ज्यादा की नहीं है तो आप जगह जगह भी दिखा देना है। देखेंगे, चलो फिर अब रेस्ट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं गाइस से खाना। हां नहीं नहीं इसमें डाल दो, पापा खुद डालेंगे बैग में। दूरिया दूरिया नहीं तो पाई दे से। फिर मिलते हैं गाइस आपसे। ये दोपहर का 1 बज गया और खाना मैंने बना दिया। खाने में आज मटर पनीर और चावल बने हैं। दिखाओ मटर पनीर का इसको भी। और बहन जी खाना लगा रहे हैं। रात का था बचा हुआ, बताया आपने गाइस को? बता रही हूँ। और गाइस ये रात का बचा हुआ था, अभी नहीं बनाया, अभी तो सिर्फ चावल ही बनाए। तो आपने नहीं बताना थी? नहीं मैं बता रही थी। अच्छा हाँ बताना था मैंने। तो क्यों गया, रात का भी तो खाते हैं लोग। खाते हैं, पर आपने ऐसे बोला कि मैंने बनाया। तो रात को किसी ने बनाया था? हाँ बोला आपने ही बनाया था। है आपने ही? हाँ तो रात को भी मैंने बनाया था, तो क्यों हो गया मैंने ऐसे बोल दिया कि मटर पनीर और चावल बनाए। तो गाइस सोचेंगे कि आपने अभी बनाया ये, इसलिए अब खा रहे हैं हम। रात का बचा हुआ है और ये। चलो फिर खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। फिर तो सो जाना है ना फिर। हाँ, से रेस्ट करनी है उसके बाद। पहले भी रेस्ट की थी तो हमने... करना है भी क्या, कुछ करना है आपने? खेत जाना है? नहीं हमने घूमने भी तो जाना है। अभी थोड़े जाना, तो थोड़ी देर बाद। हाँ खाना खा लेते हैं फिर थोड़ी देर, 3-4 बजे जाना हमने घूमने। तो फिर सीधे 4 बजे मिलेंगे हम गाइस से, है ना? चलो ठीक है गाइस, फिर खा लेते हैं हम और फिर मिलते हैं आपसे। तो YouTube फैमिली शाम के 4 बज चुके हैं और हम रेडी हो गए हैं बाहर जाने के लिए, क्योंकि बुआ जी का फ़ोन आया था और बुआ जी ने बोला कि चलो कहीं घूम आते हैं। कहीं तो क्या घूमना, पर यहीं पे मार्केट लगती है, वहाँ घूम आते हैं। इसलिए हम तो रेडी हो गए हैं, पर बुआ जी अभी तक नहीं आए, इसलिए बुआ जी का वेट कर रहे हैं। और मैं भी हो गई रेडी, पर बहन जी अभी तक रेडी नहीं हुए। बहन जी कंघी कर रहे हैं, वो भी होने वाले हैं बस रेडी। तो फिर जब बुआ जी आएंगे तो आपको बुआ जी से भी मिलवा देंगे, पर अभी तक आई नहीं बुआ। बुआ ने बोला था कि 4 बजे तक रेडी हो जाना, पर 4 बज गए और बुआ जी अभी नहीं आई, तो उनको फ़ोन करना पड़ेगा। देखते हैं कब तक आएंगे बुआ। तो YouTube फैमिली 5:30 हो गए शाम के, और बुआ जी ने बोला था कि मैं 4 बजे आ जाऊंगी, और बुआ जी आए 1.5 घंटे बाद। बुआ जी कुछ काम करने लग पड़े थे और यहाँ पे बैठे हैं बुआ जी, और लेट करवा दिया बुआ जी ने भी हमें। चली नहीं पैना बुआ हमने, बस चला चला जल्दी। वैसे भी आपने लेट करवा दिया हमें। पापा भी आ गए हैं और पैकिंग कर रहे हैं। वो नहीं दिखा सकती मैं आपको पैकिंग, जब हो जाएगी तब दिखाऊंगी। गाइस तो आ गए हम बाहर और 6 बज गए हैं। वैसे मार्केट में बाजार में भीड़ हो गई होगी अब तो, है ना? हाँ कितना देर हो गई, बहुत भीड़ हो जाती है इस टाइम। और मम्मी जी चले गए आगे, अब हम भी भाग रहे हैं। चलो फिर मार्केट में जाके मिलते हैं आपसे। लास्ट बार देख लेते हैं दिल्ली। रामा ने चला क्यों यार? ये वाली साले ले, वाली ले लो। और यहाँ पर पार्क है उस साइड, झूले भी है, लेकिन पता नहीं दूसरी साइड से होकर जाते हैं शायद इस पार्क में। तो YouTube फैमिली यहाँ पर बहन जी सजना के स्कूल के लिए जुराबे ले रही है। चलो चलो बोले बहन जी से, बोल रहे थे बहन जी बोल रहे हैं कि ये वाला पास
ड्रेस ले लेते हैं। जब हम मेहमान कहाँ जाते हैं परोने, हाँ जब मेहमान के यहाँ जाते हैं तो हाँ, जब हम कहीं जाते हैं और चिन्नी नहीं ले जानी हो, सिर्फ पर्स और फोन ही ले जाना हो तो उसके लिए ये पर्स ठीक है, कुछ नहीं डालना हो इसमें। हाँ फोन ही डालना, जैसे हमीरपुर जाना हो हाँ तो हमीरपुर के लिए ठीक है, इतना बड़ा पर्स क्यों लेके जाना फिर, ले लो तो। और बुआ जी को ये वाला पसंद आ रहा है, ये लक्का ठीक है। आप कमेंट में बताना कि हमें ये वाले पर्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, पर बहन जी को देख के लग रहा है कि ये ले ही लेंगे शायद। कौन क्या अच्छा लग रहा है, कौन सा 2500 का रुक जाओ मेरे खाते लेने अपने सादे तो क्यों हुआ ये भी एक गाइस, तो आ गए हम बाजार से और बस जा रहे हैं अब घर। जी भी यहाँ पर है, अच्छा गाइस, तो बहन जी कब से गोलगप्पे वालों को बाले को ढूंढ रही थी, ये यहाँ बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं गोलगप्पे, तो बहन जी बोल रहे थे कि यहीं खाने हैं मैंने, और पहुंच गए अब यहाँ, खा लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे।